हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ करवा चौथ दिवाली फेस्टिव ज्वेलरी हॉल, जो कि मैंने मंगवाया है और मुझे बहुत अच्छे से ज्वेलरी सारी आई हुई हैं। और ये ढेर सारी ज्वेलरी है, थोड़ी बहुत इतनी ढेर सारी अच्छी लगी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ सारा सूट ड्रेसेस वगैरह हो गई, तो अब मैं इसका एक वीडियो बनाऊँ। और बहुत अच्छी ज्वेलरी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले मैंने मंगाया है ये एक ज्वेलरी, जो इनकी पैकेजिंग है मीशो वालों की बहुत अच्छी है। ये ज्वेलरीज को इतना अच्छे से भेजते हैं, कहीं टूटने का कोई डर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सारी पैकेज आप देखो कुछ ऐसे पैक रहेगा और ऊपर से बॉक्सेस रहते हैं, पैकेट्स रहते हैं, तो कैसे टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो देखो मैं आपको सबसे पहले इसको दिखाऊँ ओपन करके। ये है एक प्यारी सी ज्वेलरी सेट है, नेकलेस एंड नेकलेस के बाद ये है एक, सबसे पहले नेकलेस एंड नेकलेस के बाद ये प्यारी सी इयर रिंग्स। ये देखो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे रियली बहुत 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 पसंद आई। एंड ये प्यारी सी इयर रिंग, और इसके बाद इयर रिंग के बाद है, अगर इयर रिंग दी है तो ब्रेसलेट ज़रूर देंगे। अब मैं पूरा तो नहीं पहन रही बट मैं ऐसे दिखाऊंगी। ये बजने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसको अच्छे से इनकी देखभाल करोगे, रखोगे, यूज़ करने के बाद यूँ नहीं कि फेंक दिया और रखोगे तो बहुत अच्छी चलेंगी। देखो मस्त है, बहुत बहुत अच्छा। फेस्टिव सीज़न के हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छे लगे और पैकेजिंग तो ओ माई गॉड बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड है मेरे पास ये एक, मैं बहुत टाइम से देख रही थी, टू का पेयर है, ये कंगन टाइप से है। बजने वाली नहीं है कि आपको इरिटेट करें, कि आप कहीं जाओगे तो कैसा लगेगा। और इनका ओपन होने का सिस्टम ये है, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, मेरे हाथों में मेहंदी है, ये है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये टू का पेयर मैंने और किसी साइट पे देखा था, बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था बट मुझे मीशो पे बहुत अच्छा पड़ गया, तो ये टू का पेयर है। मैंने आपको वन दिखाया और वन पैक है, यार बहुत अच्छे हैं। आप कभी डे में डाला, कहीं घूमने जा रहे हो डाला, बर्थडे है, पार्टीज़ है, कहीं भी डाल लो, बहुत प्यारा लगेगा। एक हाथ में डालो, दोनों हाथ में डाल लो, एक पे वॉच डाल लो, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा सेकंड आइटम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड माई थर्ड आइटम इज़ इयर रिंग्स, और ये थ्री का पेयर है, मैं आपको दिखाऊँ, फंस गई हैं, उलझ गई हैं, मैं आपको दिखाऊं कैसे, तो फंस गई, इसका घुंघरू दूसरे में जाके फंस गया। ओके, ये थ्री इयर रिंग्स का सेट है जो मैंने मंगाया है, और ये फर्स्ट ये है एलिफेंट के ऊपर पूरा घुंघरू सा बना हुआ, जो कि बहुत अच्छा है। अभी इस फेस्टिव में जहाँ भी जैसे भी पहनना चाहो, आपकी थोड़ा बहुत घूमना फिरना या वैसे भी आप ड्रेसेस पे पहन लो, इंडो वेस्टर्न आपको बनाना है कोई लुक तो उस पर भी पहन सकते हो। ये फर्स्ट है इसमें, एंड फर्स्ट इसमें डालो, एंड सेकंड है ये, ये भी मैं बहुत एलिगेंट है, आप देखो एलिफेंट सा बना हुआ है और बहुत एलिगेंट है। अगर आप इसको वैसे डालते हो ड्रेसेस वगैरह पे, ऊपर से त्रिशूल बना हुआ है, आप ध्यान से देखना ऊपर ये त्रिशूल बना हुआ है, फिर नीचे गणेश जी बने हुए हैं, तो आप जब पहनोगे और कोई कुर्ता उर्ता पहनो, या फिर आप ठीक है कुर्ता नहीं पहनो, जीन्स है, कोई कुर्ती है उस पर टॉप है, कुछ भी है, तो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत अच्छा है, बाकी ये साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा, ड्रेसेस पे भी बहुत। और ये थोड़ी सी बड़ी इयरिंग बट मुझे बहुत पसंद, क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है कि मैं थोड़ा सा बड़ी इयरिंग ज़्यादा लाइक करती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे बड़ी ही अच्छी लगती हैं। और आप देखो तो ये ओ माय गॉड मुझे बहुत पसंद आती हैं, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आई लव दिस। एंड थर्ड ये हो गया, थर्ड मीन्स ये मेरा तीन का एक मैंने पेयर मंगाया था। ये भी देखो इनकी भी पैकेजिंग वैसी ही है, कोई एक घुंघरू नहीं निकला, सारे ही घुंघरू वाले, बट एक घुंघरू कहीं से भी नहीं निकला, कोई भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं था। एंड इसके बाद मैंने मंगाया है एक बिल्कुल सिंपल सी सीप सी इयर रिंग मंगाई है, सीप और मोती का कॉम्बिनेशन है, और आप देखो बहुत ही प्यारा सा है, और ऐसे ही आप डालना चाहो, सूट पे डालो, साड़ी पे डालो, जिस पे भी डालो, और अभी बहुत सीप वगैरह है तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, थोड़ा डिफरेंट है ना,
तो मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि इसमें मोती भी है और सीप भी है। सीप और मोती का कॉम्बिनेशन अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो लक्ष्मी पूजा है, कोई पूजा अगर आप पहनो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सीप और मोती दोनों ही समुद्र से निकलते हैं, तो लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। एंड इसके बाद मैंने मंगाई है भाई, देखो सब कुछ कर लिया, सब कुछ फेस्टिवल में सारा, खास करके करवा चौथ ये सब में अगर हमको पहनना है, तो मैंने ये 4 कंगन ये हैं और 8 ये हैं, ये 8 और 4 का ये पेयर था, और ये मैंने मंगाया है। ये मैं आपको पहन के दिखाऊं, पता नहीं कैसे पहनना है, मैं वैसे लगा के पहनूंगी, और मैं पहनूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। आई थिंक ये ऐसे ही पहना जाएगा जैसे मैं पहन रही थी। एक इधर उधर हो गया क्या? एक सेकेंड। ये अब ये आया तो ऐसे साथ में है, लेकिन जरूरी नहीं आप ऐसे ही पहनो। ये 4 कंगन देखो, आप किसी भी चूड़ी के साथ लगा सकते हो। ये देखो पूरा एकदम जरी सा वर्क है, बहुत अच्छा है। मतलब अभी जो फेस्टिव सीजन है उनमें पहनने के लिए, वैसे भी आप साड़ी वाड़ी पे डालो। और ये है, कुछ नहीं मन किया इनके साथ, सिर्फ रेड चूड़ी लगा ली तो चूड़ा सा एकदम लगेगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ये चूड़ियाँ भी बहुत पसंद आई थी, मैंने खास करके करवा चौथ के लिए मंगाई है, और मैं इसको पहनूंगी क्योंकि मुझे जल्दी पहनना है, करवा चौथ में पहनना है इसको। करवा चौथ है, दशहरा है, दिवाली है, ढेर सारे फेस्टिवल्स हैं इधर, और ऐसा तो है नहीं कि चूड़ियाँ बाद में वेस्ट हो जानी, अच्छी हैं। तो मैं ये पहनने वाली हूँ बहुत जल्दी, और आपके सामने मेरा लुक आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इंस्टा पे दिख जाएगा, पर मेरा लुक तो आपको दिखना ही दिखना है। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, विभा सिंह के ही नाम से मैं हूँ। और इसके बाद ना एक बड़ी प्यारा सा मुझे ये बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही सस्ता था, बट मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा जितना अच्छा मुझे ये नेकलेस पड़ा है। ओनली शायद 50 रुपीज़ या 49 रुपीज़, आई डोंट नो, बट शायद अंडर 100 ही है। ये देखो साड़ी वाड़ी पे कितना प्यारा लगेगा। देखो अब पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, बट रियली बता रही, कैमरे पे मत जाना, ये बहुत अच्छा है। इसमें रेडिश ये दे रखा है, ये गोल्डन है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। पता नहीं मुझे, जैसा मैंने कैमरे में देखा था मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, बट मैंने इसको मंगाया था कि देखते इतने का है कैसा लगेगा। अब मैं इसमें जल्दी से वीडियो बनाऊंगी पहन के, तो आप देखना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पास से देखो, और इसके साथ इसके टॉप्स भी हैं, 2 हैं, दोनों कान के हैं। इसकी इयररिंग से देखो बिल्कुल सिंपल, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इसके बाद एक ऑक्सीडाइज झुमका जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। देखो इनकी पैकेजिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, इनकी पैकेजिंग रियली बहुत अमेजिंग है। ये देखो इनका झुमका, मैंने आप बहुत देखे होंगे मैं झुमके पहनती हूँ, बट इस टाइप के झुमके मैंने नहीं डाले, जो कि मैंने अभी इस बार रेडी कर लिया है, और मैं बहुत जल्दी सारे वीडियोज़ में पहनने वाली, देखिएगा। और बहुत लाइट वेट है ज्वेलरी, ऐसा मत सोचिएगा बहुत हैवी है, ये बहुत लाइट वेट ज्वेलरी है। आप पास से देखो झुमका, और ये देखो, ऐसा मत सोचो हमारा कान कहीं चला जाए, कान यहीं रहेगा, कान कह रहा है मैं यहीं रहूँगा। और देखो कितने अच्छे से पैक करके इन्होंने भेजा, एक भी मोती इधर उधर डैमेज नहीं हुई है, तो मुझे बहुत पसंद आई ये भी। एंड इसके बाद जब सब कुछ हो गया, तो मैंने एक चेन का सेट मंगाया है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स हैं भाई। इन 5ों में मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ एक सेट। अच्छा ये भी इसी बॉक्स में 5ों पैकेट आए थे, मैं लास्ट में भी आपको दिखा दूंगी, एक सेकेंड। ये एक चेन है, ये देखो आप बिल्कुल गोल्डन, और वो चीप वाला गोल्डन नहीं है, मैं पहले बोल दे रही हूँ, ये देखो। और इसके साथ एक पेंडेंट है, ये देखो, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फर्स्ट के साथ ये मैं बाद में कर लूँगी, पहले आपको दिखा दूँ। एंड सेकेंड, नहीं हो रहा है भाई, ये बिल्कुल सिंपल मोती सा, पहले मैंने पहना था वो बहुत हल्का था, उलझ गया था, टूटा तो नहीं भाई, बहुत मजबूत था, टूटा नहीं। एंड सेकेंड है, बिल्कुल मोती जैसा है, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ये मंगाया था, और बट वो थोड़ा सा टूट गया, इसलिए ये सेकेंड भी मुझे बहुत पसंद है। एंड अब मैं पैक बाद में करूँगी, पहले आपको फटाफट से दिखाऊँगी। एंड ये थर्ड मेरी चेन है, ये आप समझ सकते हो
कितनी अच्छी है ना, लव लव लव। मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, ये गोल्डन है, सेम ऐसे इसका एक सिल्वर है, मतलब आपके ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कैसी ड्रेस पहन रहे हो आप, उसके ऊपर डाल लेना। और सिल्वर नहीं है, थोड़ा सा कॉपर सा लग रहा है कलर, क्या कलर है मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है। और उसमें हार्ट बना हुआ है, वो और भी अच्छा है। समझ सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार वार है अपने हस्बैंड से, अपने जिनसे भी, वो समझ सकते हैं इसकी फीलिंग। एंड ये है चेन वाला ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये टू लेयर में है। पैकेजिंग इनकी कितनी प्यारी है, देखो चेन भी ऐसे पैक होकर आई थी, मैंने अभी फटाफट से ऐसे रख दिया। एंड लास्ट इनका एक प्यारी सी ज्वेलरी है जिसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में बताना था आपको। ये बहुत अच्छी ज्वेलरी है यार, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर्स ने बोला है, मेरी दो सिस्टर हैं आपको पता है, एक बड़ी एक छोटी, तो वो दोनों ही ये सेट ले रही हैं। और रियल में ये सेट मुझे बहुत प्रिटी लगा और जल्दी ही इसको पहन के मुझे वीडियो बनाना है। देखो कितना प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। आप साड़ी पे भी डालो, सूट पे डालो, मैं पास से आपको दिखा दूँ, ये मुझे इतना प्यारा लगा। और इतना लाइट वेट है ना कि अगर आप पहनोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कितना प्यारा नेकलेस लिया था। और इसकी इयररिंग्स, ओह माय गॉड, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ये ले लिया। एंड बहुत प्यारा सेट था यार ये, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरा मन था मैं कितनी जल्दी ले लूँ। और जब ये आया ना, मैंने इसको पहना तो जैसा इमेजिन किया था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा था। तो ये मेरे मीशो के हॉल थे, मुझे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिली थी जो फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत अमेजिंग है और आप ले सकते हो, कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपका कमेंट बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।